नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे सरदार बूटा सिंह के बारे में, जिनका कि आज यानी कि 2 जनवरी 2021 को निधन हो गया है। जलौर सिरोही के सांसद और पंजाब में दलितों के नेता और बिहार में राज्यपाल रहे बूटा सिंह का आज यानी कि 2 जनवरी 2021 की सुबह निधन हो गया। बूटा सिंह 86 साल के थे। आपको बता दें कि वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें अक्टूबर में ब्रेन हेमरेज के बाद एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बूटा सिंह की पहचान पंजाब के बड़े दलित नेता के तौर पर रही है। वह कांग्रेस की कई सरकारों के हिस्सा रहे हैं। राजीव गांधी की सरकार में उन्हें गृह मंत्री की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके उनके निधन पर शोक जताया है और पूर्व केंद्रीय मंत्री को भी श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ दलित नेता सरदार बूटा सिंह का जन्म 21 मार्च 1934 को पंजाब के जालंधर जिले के मुस्तफापुर गांव में हुआ था। राजीव गांधी की सरकार में वर्ष 1984 से 1986 तक वो कृषि मंत्री और 1986 से 1989 तक गृह मंत्री रहे थे। बूटा सिंह साल 1962 से 2004 के बीच 8 बार लोकसभा के सांसद चुने गए। बूटा सिंह साल 2004 से 2006 तक बिहार के राज्यपाल रहे। इसके साथ ही वर्ष 2007 से 2010 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बूटा सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बूटा सिंह का राजनीतिक सफर के साथ ही विवादों से गहरा नाता रहा है। जब वो वर्ष 2005 में बिहार में राज्यपाल पद पर थे तो उनके एक फैसले से पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई थी। उनके इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत करार दिया था और केंद्र सरकार को राज्यपाल पद की गरिमा बचाए रखने के लिए उनकी नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश तक तय करने को कहा था। बिहार विधानसभा को 23 मई 2005 को मध्य रात्रि में भंग कर दी गई थी। इसी को लेकर राज्यपाल की भूमिका और केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस निर्णय पर कड़ा राजनीतिक विवाद हुआ। जब राज्यपाल बूटा सिंह ने अपनी रिपोर्ट भेजी तब जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा करने वाले थे, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें मौका देने से इनकार कर दिया। राज्यपाल को फैसला लेने के बाद उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि विधायकों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि बाद में इसको लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ में भेजने का निर्णय लिया। इसके बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई और 7 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार विधानसभा को भंग करना संवैधानिक था। हालांकि तब तक बिहार में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसके बाद 24 जनवरी 2006 को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए कहा कि राज्यपाल बूटा सिंह ने संवैधानिक निर्णय लेते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल को गुमराह करने का जिम्मेवार ठहराया। बता दें कि 5 मार्च 2005 को बिहार में 12वीं विधानसभा का कार्यकाल आधी रात को समाप्त हो गया था। 6 मार्च से पहले बिहार में नई सरकार का गठन हो जाना था, लेकिन कोई भी दल या गठबंधन 13वीं विधानसभा में 122 विधायकों के जरूरी आंकड़ों के निकट नहीं पहुंचा। आरजेडी की राबड़ी देवी ने 91 विधायकों के समर्थन के अलावा 10 और विधायकों के सपोर्ट यानी कि कुल 101 विधायकों के साथ सरकार बनाने की बात कही थी। इसी तरह एनडीए की ओर से 92 अपने विधायक और 10 निर्दलीय विधायकों को समर्थन मिलाकर 102 विधायकों के साथ सरकार बनाने का दावा किया। एनडीए का कहना है कि राज्यपाल को उनके गठबंधन को बुलाना चाहिए था। उस वक्त राजभवन से निकलते हुए एनडीए की ओर से भाजपा के नेता सुशील मोदी ने कहा था कि उन्होंने सरकार बनाने का दावा नहीं किया है, लेकिन राज्यपाल को यह जरूर बताया है कि एनडीए के पास आरजेडी से अधिक विधायक है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब बिहार में दूसरी बार विधानसभा का चुनाव हुआ तो एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ बूटा सिंह ने ही दिलाई। इसके बाद से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानने के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।